बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो, गिव अवे कैसे भूल सकते हो आप लोग. सो पिछले गिव अवे में जो विनर्स हैं उनको दिया जाएगा उनके गिव अवे गिफ्ट्स, बट अभी जो है सिचुएशन थोड़ी खराब है, सो यू हैव टू वेट. बट गिव अवे के विनर्स ऑलरेडी अनाउंस हो चुके हैं. सेकेंड गिव अवे इज बाय शुगर कॉस्मेटिक्स, और ये गिव अवे काफी ज्यादा बड़ा है एंड आई कीप कमिंग विद गिव अवेज एवरी मंथ, सो डू पार्टिसिपेट. शुगर कॉस्मेटिक्स के गिव अवे का रूल है कि यू हैव टू सब्सक्राइब टू माई सेकेंड चैनल विच यू आर रिक्वेस्टेड आई मेक फॉर फन स्टफ. तो उसकी सेकेंड चैनल की लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाके सब्सक्राइब कीजिए. इंस्टाग्राम पे फॉलो करके कोई भी मेरी रिसेंट पोस्ट पे बस डन कर देना, क्योंकि मैं आपको वहीं से ढूंढ पाऊंगी, यूट्यूब से नहीं. तो वहां से विनर्स चूज करके बता दूंगी. शुगर कॉस्मेटिक्स, डू पार्टिसिपेट. और वीडियो चालू करते हैं, क्विक शॉर्ट वीडियो, बिकॉज टाइम नहीं मिल पा रहा है लंबी वीडियो बनाने की. कोई भी वीडियो का वो छोड़ो, दिस नथिंग, ना जॉब या कुछ रिलेटेड है नहीं जो मैं बना सकूं. सो स्टोरी टाइम एज यू ऑल ऑलवेज रिक्वेस्ट. सो ये स्पाइस जेट की बात है, और या एक टिप मिली थी. सो नॉट $1,000 बट 1,000 dirhams की टिप मिली थी. ये तभी था जब मैं मुंबई से दुबई की फ्लाइट ऑपरेट कर रही थी, एंड ऑन इंटरनेशनल फ्लाइट्स हमें अल्कोहल सर्व करना होता है. तो उन्होंने तभी टिप दी थी पैसेंजर ने, बट हमें अलाउड नहीं होता है टिप लेना. क्लियरली कहा गया था ट्रेनिंग में, हमें सिखाया गया था कि अगर आपको कोई टिप दे तो नहीं लेना है आपने. और टिप मिलती है लाइक यू नो, जो बारटेंडर्स है या फिर जो वेटर वेटरेस है जो रेस्टोरेंट में या होटल्स में होते हैं, अच्छे फाइव स्टार होटल्स वगैरह में, उन्हें जरूर टिप मिलती है. दे अलाउड टू टेक द टिप्स, बट वी आर नॉट अलाउड टू टेक. कोई एयरलाइन में अगर होती होगी अलाउड तो मुझे आज तक के नहीं पता, बट आज तक मैंने ऐसा नहीं सुना. सो हुआ ये था कि स्पेशली ना कैसे होता है कि स्पाइस जेट में ये ऐसा था मोस्टली कि जो फ्रंट सेक्शन होता था ना, वहां पे मोस्टली जो एक्स्ट्रा लेग रूम वाली या फिर नो मोस्टली फ्रंट में ही होती है जो भी फर्स्ट क्लास या बिजनेस क्लास वगैरह. उसी तरीके से स्पाइस जेट में बिजनेस क्लास वगैरह नहीं था, पूरा इकोनॉमी क्लास था. बट जो फ्रंट में कैसा है, जो एक्स्ट्रा लेग रूम वाला होता है, तो वहां पे जो टिकेटिंग स्टाफ जो है बोर्डिंग पास में सीट असाइन करते हैं, वो मोस्टली क्या करते हैं, जो हाई प्रोफाइल वाले पैसेंजर वो आगे रखते हैं. और मोस्टली इकोनॉमी क्लास में लाइक यू नो, जैसे कोई वर्कर्स है, मोस्टली जो लेबर वर्कर्स वगैरह दुबई में जाते हैं, उन्हें पीछे के साइड की सीट्स देते ताकि मिक्सअप ना हो जाए, क्योंकि बहुत बार पैसेंजर लोग की कंप्लेन वगैरह आ गई थी इसके लिए. तो अभी सीन ये हुआ था कि बहुत बड़े, बहुत लाइक यू नो, आई डोंट नो व्हाट, एंड दीज पीपल आर सो रिच, बहुत पैसे होते हैं इनके पास में. तो इनका लाइक ग्रुप था ये सर का, नहीं तो भी ना ये लोगों ने 15,000-20,000 की अल्कोहल पी होगी फ्लाइट में. और या यू हैव टू परचेज इट, वो फुल सर्विस एयरलाइन नहीं थी स्पाइस जेट. सो इनका पूरा ग्रुप था, और कैसा है ना कि पूरे ग्रुप में वो एक ही सर जो थे वो लाइक मैं दारू पिलाऊंगा सबको मेरी तरफ से है. तो जब पेमेंट का टाइम आया, और आई थिंक अराउंड 15-20 पीपल थे उनके सारे वहां पर, और एकदम फुल मजे में फुल, और ऐसा नहीं कि यू नो ड्रंक है, मिसबिहेव, नो इट्स नॉट लाइक दैट. कुछ कुछ रहते हैं लोग जिनको पता है कि ड्रंक होने के बाद सॉर्टेड हैंडल कैसे करना चाहिए. सो मी एंड माई सीनियर, उस टाइम पे मैं सीनियर नहीं बनी थी, वी वर सर्विंग इन द फॉरवर्ड सेक्शन. तो ये लोग का मस्त में फुल एकदम एंजॉयमेंट, अच्छे से बातें कर रहे हैं. और दुबई की फ्लाइट स्पाइस जेट में तभी नाइट फ्लाइट्स होती थी, लोग नाइट में भी इतना एक्टिव है बताओ, 12-1 बजे के टाइम पे भी. तो जब पैसे कलेक्ट करने का टाइम आया तो मैं गई, तो उसने एक्स्ट्रा पैसे दे दिए मुझे. मुझे एक्जैक्टली बिल याद नहीं कितना हुआ था सर का, बट उन्होंने मुझे एक्स्ट्रा पैसे दिए. मैंने कहा सर दिस इज लाइक टू मच, मैंने उनको चेंज वापस दी. कहा नो यू कीप इट विथ यू, लाइक सर दिस इज, आई एम नॉट अलाउड टू टेक इट फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड देन इट्स अ लॉट ऑफ मनी. तो कहा नहीं यू टेक इट, सच एन अमेजिंग सर्विस. मैंने कहा मैं लेना अलाउड ही नहीं है. तो कहा ठीक है, तुम्हें अलाउड नहीं है तो तुम जाओ अपने जितने भी क्रू है उन सब में डिवाइड कर दो. मैंने कहा सर अलाउड ही नहीं, कंपनी की पॉलिसी. तो वो मान ही नहीं रहा. तो मैं जाके मैंने अपने सीनियर को इन्फॉर्म किया, क्योंकि वो टाइम पे मैं न्यू थी, तो मुझे लगा कि क्या पता कुछ एक्सेप्शन होंगे या नहीं, मैं एक बार दोबारा चेक कर लेती हूँ. मेरी सीनियर ने कहा नहीं सुनहरा, जस्ट मना कर दो चाहे कितना भी हो. क्योंकि कैसा है ना कि हम जब कोई भी फ्लाइट के लिए जाते तो हमने कितना कैश किया है वो हमें एंट्री करना पड़ता था. इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए अगर जा रहे हैं तो वहां पे कितना कैश साथ में रखा है वो सब लिखना पड़ता था. करेंसी 1 रुपया भी लिखना पड़ता था अगर मैंने एक्स्ट्रा कैरी किया है तो वो सब अलग चीज है. क्यों ये सब मामलों में पड़ने का वैसे भी टिप विप लेकर जब अलाउड ही नहीं है. तो लास्ट में मैं गई और मैंने कहा कि सर दी ओनली ऑप्शन इज, वो मान ही नहीं रहा फिर भी मैंने बोला. तो उसने बोला कि ठीक है काम करो,
नहीं लेना ना तो कुछ भी कर दो मुझे नहीं चाहिए। तो मैंने कहा सर दी ओनली थिंग आई कैन डू इज नाउ मैं ये ले लूंगी और जो हमें कैश कंपनी को सबमिट करना होता फ्लाइट के बाद जो भी सेल हुआ उसका, मैंने कहा उसी में मुझे ये पैसे डालने होंगे टिप अमाउंट लिख के, बट हमें रखना अलाउड नहीं है क्योंकि पहली बात तो अलाउड नहीं है और दूसरा मैंने कहा कि हमने लिखे हुए कि हमने इतने पैसे कैरी किए, हमारा बैग वैग चेक कर दिए तो हमारी जॉब रहने दो, इट्स ओके अगर नहीं अलाउड है तो कोई बात नहीं। सो दैट्स हैपेंड, इतनी बड़ी टिप मिलते मिलते हम ले नहीं पाए क्योंकि अलाउड नहीं है, बट दिस हैपेंड एंड दैट्स इट। इट्स अ शॉर्ट क्विक स्टोरी टाइम वीडियो एंड इफ यू वांट टू सी मोर वीडियोस लाइक दिस प्लीज कमेंट डाउन बिलो एंड इंस्टाग्राम पे थोड़ा फॉलो कर लो। बाय।